हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस, और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 पार्ट 5, तो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। तो एक बार देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर लर्न टुडे। सो क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। सो वी आर लर्न गोइंग टू टुडे इकोनॉमिक इंपैक्ट। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपैक्ट? व्हिच इज इंपैक्ट लाइक अ मनी, विच इज इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, दैट इज नोन एज अ इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो आपके पैसों पर इफेक्ट करती है, आपकी प्रॉस्पेरिटी पर इफेक्ट करती है। एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया, तो कंपनी की वजह से कौन से सोशल इम्पैक्ट हुए, मतलब कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या बिहेवियर में चेंज हुआ, क्या रिलीजन में चेंज हुआ, क्या लोगों की थिंकिंग में चेंज हुआ, और कौन सी नई सिस्टम हमने अडॉप्ट की जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये दो सबसे बड़े क्वेश्चन है और चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू अवर सिस्टम बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन, हम सब हर बार पढ़ेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक होगा, जो आपके नॉलेज के लिए हेल्पफुल होगा। यू शुड नो दिस, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट फैक्ट्री सिस्टम, किसने फैक्ट्री सिस्टम को इन्वेंट किया पूरी दुनिया में, वो कौन है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज हमारा क्वेश्चन नंबर 18, तब तक आप सोचते रहिए। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया, किस तरह से कंपनी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ इंडिया पे। When we evaluate the 100th year of the company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous century, become a merely a country that produced a raw material for England and prospective market for good produced in factories. तो 100 सालों तक जब ब्रिटिशर्स के अंडर में हमने काम किया, उससे पहले पूरी दुनिया में एकमात्र इंडिया ऐसी कंट्री थी जो रॉ मटेरियल बनाती थी हर एक चीज के लिए। ओके, नॉर्मली हम बात करें तो क्लोथ्स या फिर फूड, बट अब जो इंडिया रॉ मटेरियल बनाता है, वो रॉ मटेरियल लेकर कौन जाता है अपनी फैक्ट्रीज में, तो ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली जो इंडिया है उसकी प्रॉस्पेरिटी कम हो रही है, उसके सामने इंडिया का जो पैसा है उसकी प्रॉस्पेरिटी है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा कौन ले जा रहा है, इंग्लैंड। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है कि इंग्लैंड हमसे रॉ मटेरियल तो ले जाता था लेकिन हमको पैसे नहीं मिलते थे, तो ये हमारे इम्पैक्ट हुई। और उनके सामने इंडिया में उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना ली जहाँ पे वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे, और उस रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड बना के उसको महंगे प्राइस पे मार्केट में बेचते थे। बंगाल एक्सपोर्टेड, अब बंगाल में से क्या क्या एक्सपोर्ट होता था, तो बंगाल में से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था कॉटन क्लोथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिन। ये होता था 1708 से लेकर 1756 के बीच में, बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी। अब ये क्या है हम अभी पढ़ते हैं, व्हाट इज द ड्यूअल पावर पॉलिसी। द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड, कि जो बंगाल की जो प्रॉस्पेरिटी थी, पहला तो 1756 से पहले बंगाल अच्छा खासा प्रॉस्पर था, बट आफ्टर द 1756 उसके बाद धीरे धीरे उसकी प्रॉस्पेरिटी कम होती गई। क्यों? तो ड्यूअल पावर पॉलिसी के वजह से। अब ड्यूअल पावर पॉलिसी क्या है, ड्यूअल पावर पॉलिसी जिसे हम कहते हैं द्विमुखी शासन पद्धति, मतलब कि इसको इंट्रोड्यूस किया था बंगाल के अंदर सबसे पहले, वेयर बाय द पावर ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू वॉज द विद द ब्रिटिश। अब टैक्स कौन करेगा, ब्रिटिश कलेक्ट करेगा, वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल वेलफेयर वॉज विद द नवाब, लेकिन स्टेट का ध्यान कौन रखेगा, नवाब। मतलब अल्टीमेटली जो पैसे है वो ले जाएंगे ब्रिटिशर्स, बट वहां पे कंट्रोल कौन करेगा, नवाब, और नवाब को मिलेगी थोड़ी बहुत सैलरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा था जितना भी इनकम का, वो सारे का सारा कौन ले जाता था, ब्रिटिशर्स। Thus the British got the power without any responsibility and the Nawab had the responsibility without any power। मतलब ब्रिटिश के पास पावर तो थी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट पावर नहीं था। This was known as the subsidiary alliance system which ruined a Bengal economically। इसे आप subsidiary alliance system भी कह सकते हो, या फिर इसे आप द्विमुखी शासन पद्धति या फिर dual power policy भी कह सकते हो। कभी कभी exam में ये 1 mark में question आ जाता है, what is the meaning of dual power policy, जिसने Bengal की पूरी management system थी उसको खराब कर दिया था। Next अगर हम यहाँ पे देखें, the unfair revenue collection policy, मतलब कि जितना चाहे मन चाहे इतना टैक्स कलेक्ट किया जाता था लोगों से, पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीशेंट अडैप्टर। और इसी की वजह, पीशेंट का मतलब क्या है, जिसे हम कहते हैं फार्मर्स, पीशेंट इज नॉन एज अ फार्मर, और फार्मर का कर्जा धीरे धीरे बढ़ता गया क्योंकि वो लोग फार्मर से मन चाहे इतना
टैक्स कलेक्ट करते थे और इसकी वजह से जो हमारे फार्मर है वो कर्जे में डूबते गए और बन गए डेब्टर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज द अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री। अब यहाँ पर ब्रिटिशर ने क्या किया कि जो इंडिया के अंदर क्लोथ्स बन रहे हैं उसके बेचने पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, जबकि दे एडोप्टेड द वेरियस डिसफुल प्रैक्टिसेस टू रून द प्रॉस्पेरस इंडियन इंडस्ट्री। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो इंडिया की जो प्रोडक्ट हैं या फिर हमारे जो क्लोथ्स हैं जो मार्केट में बिकते थे उनका सेलिंग बहुत कम हो गया और हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी हमारे कंट्री के लोगों की वो धीरे धीरे बिगड़ती गई, बिकॉज ऑफ विच इट कम्प्लीटली कोलैप्स्ड। और इसी की वजह से इंडिया बिखर गया और टूट गया। एंड द इंडियन आर्टिशियन बिकम अ पुअर एंड अनएम्प्लॉय। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे जो आर्टिशियन थे वो पुअर और अनएम्प्लॉय होते गए, क्योंकि जो चीजें मार्केट में बिकती थी वो कंपेयर टू ब्रिटिशर्स के क्लोथ्स या फिर उनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगी थी। ओके और हमारी क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद प्राइस ज्यादा होने की वजह से कोई उसे खरीदता नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे इंडियन की जो प्रोडक्ट थी वो हैंडमेड थी और हैंडमेड होने की वजह से वो बहुत ही कॉस्टली बिकती थी, जबकि ब्रिटिशर्स के पास जो चीजें थी वो मशीन से बनती थी और बहुत ही चीप होती थी, जबकि कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स उन पे टैक्स भी बहुत कम लगता था। तो इस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हमारे पैसे लेने शुरू कर दिए। कंपनी ट्रेडर फोर्स टू वेवर्स ऑफ बंगाल टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग द डिफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ क्लोथ इन अ शॉर्ट पीरियड। अ कंपनी ने बंगाल के जो वर्कर हैं जो फार्मर हैं उनको फोर्स किया कि हम जितना चाहे इतना आपसे बहुत सारे छोटे से टाइम में बहुत सारा हम क्वांटिटी में आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे या फिर जो क्लोथ्स हैं या फिर जो रॉ मटेरियल हैं खेती है वो सारी चीज वो ले जाएंगे। इफ द वेवर रिफ्यूज, मतलब कि जो वेवर थे जो हमें प्रोडक्ट देने से मना कर रहे थे उनको प्रोडक्ट देने से मना कर रहे थे, इट वुड बी पनिश्ड बाय बीइंग अ लैस्ट और जेल। तो उन लोगों को या तो जेल की सजा हो जाती थी या फिर उनको मारा जाता था। तो कहीं ना कहीं जो वेवर हैं वो लोग इसको मना नहीं करते थे और इसी वजह से थोड़े से ही टाइम में इन शॉर्ट पीरियड बहुत सारा प्रोडक्ट या बहुत सारी चीजें वो यहाँ से ले गए। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वेयर अ सेल्फ रिलेवेंट एंड द प्रॉस्परस। तो कंपनी जब इंडिया में आई उससे पहले इंडिया के जो विलेजर्स थे जो गांववासी थे वो बहुत ही प्रॉस्परस थे, बहुत ही रिच थे और सेल्फ इंडिपेंडेंट थे। बट अंडर द कंपनी रूल, बट जब से कंपनी रूल इंडिया में आया दे बिकम अ डिपेंडेंट एंड पुअर। उन वो डिपेंडेंट हो गए, उनको काम है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से मिलता था और अंग्रेज उनको काम देते नहीं थे और इसकी वजह से वो क्या हो गए, पुअर। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने एंड द स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडियन एंड इंग्लैंड वॉज स्टार्टेड। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे अपना बेनिफिट देखा और बेनिफिट के लिए उसने बनाई ट्रेन जो शुरू हुई मुंबई टू थाने, जो हमने देख लिया जो डेलहौसी ने शुरुआत की थी। और उसके बाद उन्होंने शुरू की स्टीमर सर्विस, जो स्टीमर चलती थी हमारे इंडिया के क्लोथ्स को इंग्लैंड ले जाती थी और वहां पे उनको मैन्युफैक्चर करने के बाद बाद उनको इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्टली प्राइस से बेचा जाता था। और ये स्टीमर के पोर्ट्स कहाँ कहाँ पे थे, तो मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। तो इस तरह से हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो डाउन होती गई और ब्रिटिशर्स बहुत ही रिच और फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग होते गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द सोशल इंपैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या इंपैक्ट हुए, हमारी सोसाइटी में यूनिटी क्यों टूट गई और किस किस वजह से हम लोग चेंज होते गए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप अमंग द पीपल ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में उन्होंने न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किया और इसकी वजह से हमारे लोगों में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा नहीं थी वो डेवलप होने लगी। लोग अब खुलकर सारी चीज़ों के बारे में बात करने लगे, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने लगे और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकालने लगे। तो न्यूज़पेपर एक जरिया बना कि लोगों के अंदर एक अच्छी सी फ्रीडम ऑफ स्पीच क्रिएट हुई और उनका भी डेवलपमेंट हुआ। सेकेंड, अगर हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी जो है कुछ कुछ जो सोशल कस्टम्स जिसे हम कहते हैं जो पुराने रीति रिवाज थे वो निकाल दिए गए, उसको हटा दिए गए, या फिर आप कह सकते हो धर्म या फिर जो परंपराएं थी रीति रिवाज थे रिट्स एंड रिचुअल्स जिसे हम कहते हैं रीतियां रिवाज वो हटा दिए गए। जैसे कि अगर हम बात करें सती सिस्टम, जो पहले के ज़माने में जो सती सिस्टम हुआ करता था वो हटा दिया गया। फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब कि जो लड़कियाँ हैं उनको पेट में मार दिया जाता था वो हटा दिया गया। चाइल्ड मैरिज थी उसको बैन कर दी गई। और ये सारे का सारा जो काम है वो था राजा राम मोहन राय का, जो आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा होगा। तो राजा राम मोहन राय ने ये जो रूल्स हैं वो हटाए थे
उनको हेल्प की थी दुर्गाराम मेहता और बहराम जी मलबारी ने, बट उनके साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया था और उन्होंने ये लॉ पास किया था इंडिया में कि आज से इंडिया में सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड मैरिज जो लॉ है उसको बैन किया जाता है। तो ये श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी मलबारी और ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट अगर हम चेंजेस की बात करें तो एज एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज इम्प्रूव्ड। हमारा जो पहले मैनेजमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में राजा तक सीमित था, बट जबकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो इम्प्रूव हुआ। देयर वॉज अ डिमांड फॉर द पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, और यहाँ पे जिन लोगों को इंग्लिश समझ में आती थी उनकी डिमांड बढ़ गई, ताकि जो लोग इंग्लिश में बोल सकते थे, काम कर सकते थे, उनको अच्छी सैलरी पे ब्रिटिशर्स काम देते थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अल्टीमेटली इंग्लिश एजुकेशन की या फिर इंडिया में एजुकेशन की इम्पोर्टेंट यहाँ पे बढ़ी। इंग्लिश एजुकेशन बिगन टू बी इम्पार्टेड इन इंडिया ड्यू टू द लॉर्ड मैक्यूली। अब एग्जाम में ये आएगा कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन लाया कौन, तो इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में लेकर आए थे लॉर्ड मैक्यूली, बट उसके साथ साथ ब्रिटिश यूनिवर्सिटी किसने बनाई, तो एज ए रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड। तो यूनिवर्सिटी बनाई चार्ल्स वुड ने, कहाँ कहाँ पे, मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। ये दो क्वेश्चन अलग अलग है जो एग्जाम में वन मार्क में आ सकते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में लाया कौन, तो लॉर्ड मैक्यूली, और यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश यूनिवर्सिटी थी इंडिया में सबसे पहले किसने बनाई, तो वो थी चार्ल्स वुड ने मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता में। तो ये जो सोशल इम्पैक्ट थे हमारे कंट्री पे हुए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच डेवलप हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़पेपर। उसके बाद जो इंडिया के अंदर रिट्स एंड रिचुअल्स थे, जो पुरानी परंपराएं थी वो हटा दी गई, साथ ही साथ इंग्लिश एजुकेशन इम्प्रूव हुआ और जो इंग्लिश बोल सकते थे या लिख सकते थे उनको अच्छा काम मिला, और इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन भी स्टार्ट हुआ और यूनिवर्सिटी भी डेवलप हुई। ओके, ये थे हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर वन। हमारा लास्ट क्वेश्चन, यू शुड नो दिस, हमारा क्वेश्चन था हु इन्वेंटेड द फैक्ट्री सिस्टम, किसने फैक्ट्री सिस्टम को इन्वेंट किया। तो फैक्ट्री सिस्टम को इन्वेंट करने वाले पर्सन का नाम था रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने फैक्ट्री सिस्टम को डेवलप करने का सोचा था। रिचर्ड आर्कराइट इज द पर्सन क्रिएटेड विद द बीइंग द ब्रेन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्री एंड डरबन वैली मिल्स। तो उन्होंने डरबन वैलीज की जो मिल्स थी, उन्होंने ये सोचा क्यों ना इस मिल्स को, जहाँ पे बहुत थोड़े थोड़े वर्कर काम करते हैं, इसको बड़ा बनाया जाए, यहाँ पे मशीनरी लाई जाए और लोगों को काम दिया जाए। एक्चुअली में फैक्ट्री किसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, मशीन्स में काम होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, गुड्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। तो आफ्टर ही पैटर्न्ड हिज वाटर फ्रेम इन 1769, और उन्होंने इस बात को पैटर्न कर लिया कि उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री दुनिया में बनाई है 1769 में। ही एस्टैब्लिश द क्रॉमफोर्ड मिल, और उन्होंने दुनिया की सबसे पहली मिल बनाई क्रॉमफोर्ड मिल इन डर्बीशायर इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की क्रॉमफोर्ड मिल दुनिया की सबसे पहली फैक्ट्री कही जा सकती है, जिसको बनाया था रिचर्ड आर्कराइट ने। तो ये था हमारा बियॉन्ड बुक्स क्वेश्चन आज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।